हेलो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में भी हुआ होगा। देखिए, हम इसको करते हैं ऑन और इसमें जो मैसेज डिस्प्ले होता है उसको कैसे सॉल्व करें वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये हो रहा है शुरू, जल्दी जल्दी से हो जा। तो तीन तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये मैसेज आ रहा है, रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। ऐसा अगर मैसेज आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कंप्यूटर को बंद कर देना है। देखिए, यहाँ रेड ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब हार्ड डिस्क का कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए, हम ढक्कन को इसका खोल लेते हैं और इसमें हार्ड डिस्क वाला जो केबल है, देखिए खोलने के बाद, देखिए खोल लिए, ये हार्ड डिस्क वाला जो केबल है, ये सीडी वाला केबल है, नीचे हार्ड डिस्क वाला है, तो उसको निकाल के फूंक लेंगे, अच्छे से साफ करके उसको वापस उसी जगह पे लगा देंगे। देखिए, हम कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ जितना भी केबल है, एक पावर का है ये और ये एक उसका डाटा ट्रांसफ़र का, तो दोनों को निकाल के दोनों साइड से, दोनों छोर से उसको वापस उसी जगह पे लगा देंगे। उसके बाद हम ट्राई करके देखते हैं हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो हम दूसरा तरकीब यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये SSD हार्ड डिस्क वाले केबल को और एक SSD भी लगा हुआ है, उसको भी हम इसी प्रकार क्लियर कर लेंगे। अब चलिए इसको चालू करके देखते हैं। कंप्यूटर को करते हैं ऑन। देखिए, अभी ऑन हुआ है। बूट हो रहा है और इस बार वो वाला मैसेज नहीं आ रहा है जो पहले आता था। ये देखिए, कंप्यूटर हमारा चालू हो गया। अब इंटर दबा के विंडोज़ नॉर्मली कर देंगे और कंप्यूटर हमारा चालू हो गया। तो देखिए, कितना सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आप दुकान जाते और फिजूल में ही आपसे 1000 रुपये लूट लिया जाता। ये रहा हमारा कंप्यूटर, हो गया है ठीक। तो इस प्रकार आप भी अपने कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।